नमस्ते, मैं कविता जैन, एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और एक होममेकर। आप सबके 20 डेज लॉकआउट के लिए एक इंटरेस्टिंग क्रिस्प 20 मिनट्स वर्कआउट लेके आई हूँ। आई होप यू ऑल लाइक इट। दिस इज माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, सो प्लीज आई होप यू ऑल लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपका ब्रीदिंग चेक करूंगी। आई वॉन्ट योर राइट हैंड ऑन द स्टमक। ओके, When I say inhale, take a long deep breath. लंबा गहरा श्वास भरे। Inhale, exhale, धीरे से श्वास छोड़े। अब आपको फिर से एक बार breathe in, breathe out करना है। And this time, आपको अपने हाथ और पेट पे focus करना है। Okay? Inhale, exhale. जब आप श्वास भरते हैं तब आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। ओके, एंड योर हैंड शुड कम आउटसाइड। एंड जब आप श्वास छोड़ते हैं तब पेट अंदर, हाथ अंदर। इसका एक सिंपल फंडा है ब्रीदिंग का। अगर मैं आपको एक बलून दे दूं और उसमें हवा भरने कहूं तो क्या होगा? बलून विल ब्लो, राइट, फूगेगा। उसी तरह ये अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी है। लंग्स, डायफ्राम एंड स्टमक। जब हम श्वास भरते हैं लंग्स फूलते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है और स्टमक बाहर आता है। ओके, एंड जब हम श्वास छोड़ते हैं तब पेट अंदर। इट इज वेरी सिंपल बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। इन केस आपकी ब्रीदिंग सही नहीं है, फर्स्ट वर्क ऑन योर ब्रीदिंग। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वार्म अप। वी विल स्टार्ट विद आवर हैंड्स फर्स्ट। दोनों हाथ सामने शोल्डर लेवल पर। वी विल एक्टिवेट आवर फिंगर्स फर्स्ट, वन बाय वन ऑल द फिंगर्स। क्लोज योर फिस्ट, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। क्लोज, ओपन। नाउ व्हेन आई क्लोज काउंट फाइव, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, क्लोज। व्हेन आई एम क्लोजिंग माय फिस्ट, activate, give strength to your entire hand. Open, relax, relax hands down. जब भी मैं relax करूँ, just loosen your body, take 1 or 2 deep breaths. Again, hands in the front, down, up. 5 counts, hold, 1, 2, 3, 4, 5, down. जब हम हाथों को नीचे कर रहे हैं, you have to take a stretch on the upper part of your hand. Upar ki taraf stretch aayega. And when I do it up, feel the stretch down. Okay? Relax. Now, lock your shoulders, open. Lock, open 5 times. And relax. Agar aapko haathon mein halka sa pressure lage, just loosen your hands like this. Okay, now coming to our shoulders. दोनों हाथों को सामने रखना है शोल्डर लेवल पे। लॉक, जॉइन योर एल्बोस। इनहेल करना है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, कानों को टच करना है पीछे की तरफ, जितना पीछे कंफर्टेबली आप लेके जा सके। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। रिपीट, इनहेल अप बैक, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब उल्टा घुमाएंगे, इनहेल बैक, एक्सहेल, इनहेल बैक, exhale, up and sound. Relax. Just loosen your body. Relax. Now we'll work on the neck. Just massage your neck. Rub your palms well. Generate good heat. अब इस गर्माहट को neck पर लगा दीजिए. Massage your neck. आगे पीछे. Okay. When I say 1, look straight. 2, ऊपर. 3, again front. 4, down. 5, straight. Let's start. 1, 2, slowly go up. जितना आप comfortably जा सके। 3, come in the front. 4, slowly look down. Try to take your chin towards the neck. अगर किसी को cervical है या neck pain है, please skip this. Don't look down. Okay? Relax. Now 1, सामने. 2, take it towards the right. 3 सामने, 4 left, 5 सामने. Start. 1,
तरफ, थ्री फोर, ट्राई टू होल्ड इट फॉर फाइव काउंट्स, वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू टच आवर राइट ईयर टू द राइट शोल्डर. वी कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, राइट हैंड ऑन द हेड, लेफ्ट हैंड ऑन द शोल्डर. Slowly go down, 1, 2, 3, 4, 5, relax, change your hands, 1, 2, 3, 4, 5, relax. You can repeat all these exercises 2 times. Okay, now we will do neck rotation 2 times clockwise. दो बार सीधा घुमाना, दो बार उल्टा. Start. Slowly, यदि किसी को सर्वाइकल है तो सिर्फ ये हाफ रोटेशन करना है. ओके, सर्वाइकल वालों को नीचे नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का हाफ रोटेशन करना है, लाइक दिस. एंड रिलैक्स. मूविंग अहेड, चेस्ट एक्सरसाइज. Join both the hands in the front, shoulder level पर. Inhale, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फैलाए, जितना हो सके हाथों को पीछे लेके जाए, पूरा श्वास अंदर. Fill your lungs with oxygen, circulate the lungs with oxygen completely. श्वास छोड़ते हुए relax. Okay, next, coming on our waist, दोनों हाथ waist पर, अंगूठा आगे उंगलियां पीछे, पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे. वेस्ट रोटेशन स्लोली क्लॉकवाइज 2 बार घुमाएंगे. नो जर्क एनीवेयर, एकदम आराम से. एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे. ओके, एंड रिलैक्स. नाउ वी विल डू साइड एंगल पोज. देखिए, एक आसन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, प्लीज कभी भी नामों के पीछे मत जाइए. जस्ट डू द एक्सरसाइज विच यू वांट. ओके, जस्ट डू द पोज, फॉलो द पोज, नॉट द नेम. स्टार्ट करेंगे, इनहेल, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड इज ऑन द लेफ्ट थाई. श्वास छोड़ते हुए स्लोली बेंड योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ये हाथ नीचे सरकता जाएगा, लेफ्ट हैंड, and right hand बाहर की तरफ stretched. Slowly श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. This really helps you to work on your love handles, okay, and also increases your flexibility. Inhale, left hand up, touching the ear. श्वास छोड़ते हुए go down. बॉडी को स्ट्रेट रखना है, आगे या पीछे इंक्लाइन नहीं करना है, टेढ़ा नहीं करना है. श्वास भरते हुए स्लोली अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन. रिलैक्स. यू कैन अगेन रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 to 5 times. मूविंग ऑन टू ताड़ासन. ताड़ासन में दोनों पैर एडिया जॉइंट पंजे खुले हुए, वी बनाना है आपको. बेसिकली दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को. श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और टोस पर आना है, और नीचे से टोस से लेकर हाथों तक पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच, पूरी बॉडी में खिंचाव, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, हाथ पैर गर्दन. श्वास छूटते हुए स्लोली ब्रिंग योर फीट डाउन, एडी नीचे, एंड हैंड्स डाउन, रिलैक्स. नाउ फॉर दोस जिनको आदत नहीं है, न्यू कमर, बिगनर्स है, दे कैन ऑलवेज टेक द सपोर्ट ऑफ अ वॉल एंड सी हाउ यू हैव टू डू. Inhale up and stretch. अब slightly wall का support ले सकते हैं. श्वास छोड़ते हुए down and relax. Okay. Now after Tadasan, let us do some sitting postures. First we will do the butterfly pose. दोनों पैरों को सामने लेना है. If you have some time, you can always stretch your toes first. Bahar, 5 counts. Andar, 5 counts. Relax. Alternate.
एक बाहर एक अंदर, फील द स्ट्रेच ऑन द काफ, ऑल्टरनेट एंड रिलैक्स. ओके, आफ्टर डूइंग दिस बेसिक स्ट्रेचिंग यू कैन स्टार्ट विद द पोजेस. दोनों पैरों को अपनी तरफ लेना है, जितना आप ले सके कंफर्टेबली. इंटरलॉक योर फिंगर्स. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल ब्रिंग आवर नीज अप, जितना हो सके ऊपर लाना है एंड बॉडी पीछे जाएगी. देन स्लोली थाइस को नीचे की तरफ पुश करना है, बॉडी आगे आएगी. ओके, ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच स्लोली एंड ग्रेजुअली. एक ही दिन में आपसे नहीं होगा, धीरे धीरे ट्राई करना है. अप एंड डाउन, एंड देन वी स्टार्ट विद द बटरफ्लाई पोज. स्लोली अप डाउन, अप डाउन. You can do this as many times as you comfortably can. Okay? Feel a stretch. And ये movement जो है ये ऊपर की तरफ कर रहा है. Up, down. Don't think of putting it down like this. Go against the gravity. Up, work on your thighs, inner muscles, and down. Relax. Okay? Relax. Loosen your legs. Now coming on the cat-cow posture. See the posture first. Your hands should be under your shoulders. Come on all the fours of your body, both the hands and both the knees. Shwas bharte hue, inhale and go up, hips out. Shwas chhote hue, gardan ko andar ki taraf lena hai, chin ko neck ki taraf touch karna hai, pet ko pura upar ki taraf khichna hai, back ko round karna hai. This is an excellent asana for back flexibility. Inhale up, look up, exhale, shwas chhodte hue, inhale up again. जिनको थायराइड है उनको रोज ये आसन करना चाहिए. Okay, relax. Look in the front. अब इसी आसन में से हम शशांक आसन में जाएंगे, चाइल्ड पोस्चर. दोनों पैरों को नीचे टिकाना है. स्लोली दोनों हाथों को आगे की तरफ एंड रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड. सिर को जमीन की तरफ लेना है, गर्दन रिलैक्स्ड. ये आसन लो एज वेल एज हाई बीपी दोनों पेशेंट्स कर सकते हैं. Slowly walk with your fingers and come up. Okay. Now, जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है उनको अगर कैट काउ पोस्चर करना है तो दे कैन आइदर सिट ऑन द चेयर और सिट इन सुखासन एंड डू द सेम पोस्चर इन अ मॉडिफाइड वे. श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए स्लोली राउंड योर बैक, चिन इनसाइड, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचना है एंड रिलैक्स. ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ लाइन पोस्चर. वी विल डू पवन मुक्तासन. पहले अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, वन लेग एट अ टाइम, एंड देन वी विल डू विद बोथ द लेग्स. हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लाइन पोस्चर्स करते हैं तो पहले एक साइड करवट लेकर गो डाउन. ओके, Whenever you are in a lying posture, check your back. पीठ का पूरा भाग फ्लोर पर होना चाहिए, आपका हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए. No space, okay? Don't leave any space. We will start. Join both the legs. श्वास भरते हुए राइट लेग ऊपर 30 degrees. श्वास छोड़ते हुए फोल्ड योर लेग. इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन द लेग. श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास भरे. श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और पैरों को अपनी तरफ खींचे, घुटने को अपनी तरफ खींचे. अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है यू कैन टच योर हेड एंड नी, अदरवाइज ट्राई टू टच योर नोज, अदरवाइज ट्राई टू टच योर चिन, और यू कैन ऑलवेज स्टे देयर. अगर आपका स्टमक बहुत ज्यादा है, बेली फैट, तो आप इससे आगे नहीं जा पाए तो भी जस्ट स्टे देयर एंड फील द स्ट्रेच. Slowly, inhale, head down, exhale,
रिलीज द लेग्स। नाउ इंटरमीडिएट लेवल करेंगे। वी विल रिपीट दिस विद द लेफ्ट लेग। इफ यू कैन नॉट लिफ्ट योर लेग अप लाइक दिस द इंटरमीडिएट लेवल इज। इसे और इजी बनाना है तो लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दीजिए जमीन पर ही, स्लोली ऊपर लेना है, इंटरलॉक योर फिंगर्स, लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए ट्राई टू टच योर हेड टू द नीज। गर्दन पे बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, जितना हो सके घुटने को अंदर की तरफ पुश कीजिए। 10 काउंट्स तक होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शोल्डर्स रिलैक्स, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। अब दोनों पैरों के साथ करेंगे, आइदर आप दोनों पैर ऊपर उठा सकते हैं ऐसे 30 डिग्रीज पर, श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए स्लोली फोल्ड योर लेग्स, इंटरलॉक, लंबा गहरा श्वास भरे, रेडी फॉर पवन मुक्तासन, कंप्लीट पवन मुक्तासन, श्वास छोड़ते हुए स्लोली गो अप। गर्दन पे बिल्कुल प्रेशर नहीं, कंफर्टेबली इनहेल, श्वास भरते हुए हेड डाउन, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। इसे इजी बनाने के लिए जैसे हमने पहले पैर फोल्ड किए, जस्ट फोल्ड योर लेग्स, ब्रिंग इट क्लोज टू योर बॉडी, इंटरलॉक योर फिंगर्स, लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए स्लोली ट्राई टू टच योर हेड। यू कैन नॉट टच योर हेड, ट्राई टू टच योर नोज, अदरवाइज जहां तक आप जा सके जस्ट होल्ड योर सेल्फ। 10 काउंट्स एंड देन स्लोली इनहेल हेड डाउन एंड लेग्स ऑल्सो, यू कैन जस्ट कीप देम ऑन द फ्लोर एंड रिलैक्स। Now we will just do Shavasana for 1 minute, and this is how you do Shavasana. दोनों पैरों में गैप, दोनों हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, गर्दन सीधी रखें। If you want, you can keep your head straight या फिर slightly झुका दे एक तरफ सिर को। आंखें कोमलता से बंद करें, gently close your eyes, पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, loosen your entire body. नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, राइट पैर के अंगूठे से लेकर पूरा राइट लेग, लेफ्ट लेग, एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट एरिया, पीठ का पूरा भाग, द एंटायर बैक, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, फिंगर्स से लेकर शोल्डर तक एंटायर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, गर्दन का पूरा भाग, फेशियल मसल्स, मस्तिष्क का पूरा भाग। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इफ देयर इज पेन एनीवेयर इन द बॉडी, उसे देखे और रिलैक्सेशन का सुझाव दे। अनुभव करें पूरे पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। अब लंबा गहरा श्वास भरे, लंबा गहरा श्वास छोड़े, श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। एनर्जाइज योर एंटायर बॉडी, पूरा शरीर एनर्जी से भर उठा है। फील एनर्जी इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, activate your entire body, you have to maintain this energy throughout the day. Lamba gehra shwas bhare, lamba gehra shwas chhode. Slowly haathon aur pairon ki unglion ko sakriya kare, ek side karvat lekar baithne ki sthiti mein aa jaye. Don't open your eyes till you come out. Rub your palms well, dono haathon ka pressure. Make a cup like this. इस घरमावट को आईज को देना है। ब्लिंक योर आईज, आंखें टिमटिमाए अंधेरे में, स्लोली नीचे देखते हुए उंगलियों के बीच में गैप, लेट द लाइट कम इन, ओपन योर आईज। थैंक यू।
Thank you so much. I hope you like my session. Keep liking me. Keep subscribing. Thank you.